ये देखिए आज बिल्डिंग की क्लीनिंग हो रही है और नीचे पार्किंग में इन्होंने ना इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाई है ताकि कोई आगे ना आए। जो कार्स पार्क थी वो हटाई हुई हैं। यहाँ पे ईयरली या वंस इन 6 मंथ्स बिल्डिंगों की वॉशिंग होती है और ये पूरी बिल्डिंग को क्लीन करते हैं। अभी सामने वाली साइड वॉश हुई है तो देखें कितनी साफ़ हो गई है बिल्डिंग। अब मेरी साइड होने वाली है। बस अब ये वर्कर हमारी इसमें आ चुका है विंडो में। ये देखें किस तरीके से ये हैंग हुए हुए हवा से बातें कर रहे हैं, लटके हुए हैं और वॉश कर रहे हैं। अब बच्चों की कमरे की विंडो पे आई हूँ और ये देखें ये आ गया है। यूएई का वेदर थोड़ा ऐसा है कि यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा होती है। अगर एक दिन डस्टिंग ना की जाए ना घर की तो अगले दिन मिट्टी की आपको लेयर सी दिखाई देती है फर्नीचर पे। तो अच्छी खासी मिट्टी पे अगर आप देखें ना यहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी होती है तो बहुत चिपक जाती है। वैसे कितनी हिम्मत चाहिए ना इस तरीके से इतनी टॉल बिल्डिंग्स में इस तरीके से लटक के सफाई करने के लिए। 101% इनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल रखते हुए ये जिम्मेदारी इनको दी जाती है और बड़ी बड़ी कंपनीज ये काम करवाती हैं। देखें कितने प्रेशर से पानी मारते हैं कि पूरी बिल्डिंग अच्छे से क्लीन हो जाए। ये हमारी विंडोज़ को क्लीन कर रहे हैं। अब ये नीचे वालों के फ्लोर पर जा रहा है, नीचे वाली भी विंडोज़ क्लीन करेंगे। विंडो की क्लीनिंग के अलावा पूरी बिल्डिंग की वॉल्स को भी वॉश करते हैं ना, तो एक बिल्डिंग में एक शाइन आ जाती है। बाहर से ना देखने से लगता है पुरानी नहीं नई सी बिल्डिंग है। और जैसे स्पाइडर वेब्स वगैरह होते हैं वो सारे भी धुल जाते हैं तो कीड़े वगैरह भी कम हो जाते हैं।